सर, 15 अगस्त को 3 फिल्में आ रही हैं, तो हम 15 अगस्त को ही आने वाले हैं या तीनों प्रोड्यूसर्स आपस में बातचीत करके कुछ एक निष्कर्ष निकालना चाहेंगे? या कमिंग ऑन 15, बाकी मुझे पता नहीं। डेट अनाउंस की तो है, जॉन सर, सच बोलना कितना आसान या मुश्किल होता है, और कोई वाक्य अगर आप शेयर करना चाहें। सच बोलना बहुत मुश्किल होता है, या इट्स द टफेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, और जितना भी हम कोशिश करें, यू नो, वी ऑलवेज फेल एट सम पॉइंट और द अदर, बट आई थिंक इट्स ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब भी आप सच बोलते हो, देन आई थिंक अ लॉट ऑफ लोड इज टेकन ऑफ योर चेस्ट। बिकॉज सर, अब 15 अगस्त को 3 फिल्में आ रही हैं, तो हम 15 अगस्त को ही आने वाले हैं या तीनों प्रोड्यूसर्स आपस में बातचीत करके कुछ एक निष्कर्ष निकालना चाहेंगे? या कमिंग ऑन 15, बाकी मुझे पता नहीं। डेट अनाउंस की तो है, एक्सेलेंट। बिकॉज सर, अब 15 अगस्त को 3 फिल्में आ रही हैं, तो हम 15 अगस्त को ही आने वाले हैं या तीनों प्रोड्यूसर्स आपस में बातचीत करके कुछ एक निष्कर्ष निकालना चाहेंगे? या कमिंग ऑन 15, बाकी मुझे पता नहीं। डेट अनाउंस की तो है, एक्सेलेंट। अच्छा, मेरी छाती फूल गई थी जब आपने बोला कि मार मार, टेल मी समथिंग अबाउट दैट डायलॉग, एंड रियली इट इज वेरी गुड फॉर वुमेन, यू नो। या आई थिंक, सी, व्हेन यू मेकिंग अ फिल्म, एट द एंड ऑफ द डे योर कैरेक्टर हैज टू बी काफी रिलेटेबल होना चाहिए इवन विद वुमेन, और ये आई थिंक मिलाप का ऑन द स्पॉट डायलॉग था, वहीं पे उसने वो, यू वांट टू जस्ट टेल देम जॉन। एक्चुअली उस एक्शन सी उस सीन में जॉन ने मुझे कहा कि सीन बहुत अच्छा है, लेकिन एक वही, यू नो, सेविंग दिस औरत की रक्षा कर रहे कि मुझे कुछ एक्शन के अलावा एक इमोशन चाहिए या एक अच्छी बात चाहिए। तो ऑन द स्पॉट अगर जॉन ने मुझे नहीं कहा होता, तो मैं कभी ये डायलॉग जो है कि आज के बाद दुनिया का कोई भी मर्द ये ताना नहीं मारेगा कि तूने चूड़ियाँ पहनी है क्या, ये कभी नहीं आता अगर जॉन ने मुझे इंस्पायर नहीं किया होता। तो इट्स एक्चुअली हिज इमोशन जिस आई जस्ट मैनेज टू पुट इट इन डायलॉग एंड पुट इट इन द फिल्म।